लेट अस नाउ सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन बल्क मॉड्यूलस। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सबने मरीना ट्रेंच के बारे में पढ़ा या सुना होगा। सो मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन एंड एट अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी। वाटर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द ट्रेंच हमें बताया गया है 1.1 × 10⁸ पास्कल्स है। अब हम एक स्टील बॉल लेते हैं जिसका इनिशियल वॉल्यूम है 0.32 m³ एंड इसको इस ट्रेंच के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। जब यह स्टील बॉल इस ट्रेंच के बॉटम में पहुंच जाती है तो इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रेंच। वैल्यूज जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है यंग मॉड्यूलस ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ग्रेविटी की वैल्यू जी हमें लेनी है 10 m/s². तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। यहां पर हमने एक ट्रेंच बनाया है एंड ट्रेंच की डेप्थ दिखा रखी है 11 km विच इज 11,000 m। सपोज सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो है पी नॉट 1.1 × 10⁸ पास्कल्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है V, विच इज 0.32 m³। अब जब इस बॉल को रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, प्रेशर के कारण ये कंप्रेस हो जाएगी और इसका वॉल्यूम हो जाएगा V डैश। क्वेश्चन में जो डेटा है उससे हम लिख सकते हैं दैट B वाटर इज 2.2 × 10⁹ N·m² एंड V इज 0.32 m³। P एट द डेप्थ ऑफ 11 km हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2.2 × 10⁸ पास्कल्स। अब हम बी को लिख सकते हैं माइनस पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। पी अभी हमने निकाला है, वी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी की वैल्यू भी गिवन है तो हम डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.032 m³। दैट मीन्स इस बॉल का जो वॉल्यूम है वो इतने अमाउंट से श्रिंक हो जाएगा।